नमस्कार दोस्तों, समुद्र के किनारे झूमते नारियल के वृक्ष बेहद आकर्षक लगते हैं। नारियल वृक्ष को यूं ही नहीं आधुनिक युग का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसका फल, पत्तियां, छाल, टहनियां सब बेहद उपयोगी होती हैं और यह किस किस चीज़ के लिए उपयोगी है यह सर्वविदित है। कहा जाता है जब भगवान विष्णु इस धरती पर अवतरित हुए थे तो वे अपने साथ तीन चीज़ें लेकर आए थे, लक्ष्मी जी, कल्प वृक्ष और नारियल। इसीलिए इसे श्रीफल भी कहा जाता है। यह देवताओं का प्रिय फल है। नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में कई प्रकार की पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक कहानी यह है कि ऐसा कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने अपने तपोबल से नारियल के रूप में नरमुंड की रचना कर ली थी, पर बीच में तपस्या अधूरी रहने के कारण यह सफल नहीं हो पाया। इसीलिए इसकी खोपड़ी में पानी और तीन छेदों को दो आँख और नाक माना जाता है। यह पेड़ केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा आदि के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। खैर, वैज्ञानिक आधार पर बात करें तो ऐसा है कि नारियल का वृक्ष धरती से पानी सोख कर उसे अपनी कोशिकाओं द्वारा अपने फल यानी नारियल में एकत्रित करता है, और जब इसमें एंडोस्पर्म घुल जाता है तो यह पानी धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है और नारियल के अंदर की परत सख्त हो जाती है, जिसे पूर्ण रूप से पका हुआ नारियल कहा जाता है। नारियल पानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेय पदार्थों में माना जाता है। इसमें मिनरल्स और विटामिन्स की भरमार होती है। एक अकेले नारियल पानी पीने से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं और विशेषकर ग्रीष्म ऋतु के लिए तो यह वरदान है। एक नारियल के पेड़ पर एक समय में 100 से अधिक नारियल हो सकते हैं। धरती पर कहाँ पानी है यह पता लगाने के लिए भी नारियल के फल का ही यूज किया जाता है। नारियल में पानी है या नहीं यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कच्चे हरे नारियल को अपने कान के पास लाकर जोर जोर से हिलाएं। अगर उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आती इसका मतलब वो बिल्कुल कच्चा है और लबालब पानी से भरा हुआ है। अगर पानी छलकने की आवाज़ आती है इसका मतलब वो आधा पकने की स्थिति में है। नारियल पानी शरीर से बुखार उतारने में भी कारगर साबित होता है। साथ ही इसका तेल, मलाई, खोपरा, दूध भी बेहद पौष्टिक होते हैं। अन्य पेय पदार्थों की तुलना में नारियल पानी का चुनाव सबसे अच्छा और लाभदायक है और इससे शरीर को ज़बरदस्त ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर सच में ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।